बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इसकत बिन्त फातिमा ओल्ड हूँ, इस्लामाबाद के बाहर मौजूद हूँ। और माशाल्लाह से जी, यहाँ कुर्बानी के जो जानवर और आज इजाफा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम इस वक्त जो है अपनी माओ को भी दिखाएंगे ये तमाम जानवर। अंदर ले आओ इन्हें, सब हज के बाबरकत महीने में अल्लाह ताला से दुआ है कि उन्होंने जितनी नीयत और मकसद की कुर्बानी में हिस्सा डाला है, अल्लाह ताला उन्हें कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी का ढेरों अजर। और आप ये देख सकते हैं कि जैसे हमारी माइंड का इन जानवरों के लिए खुश होती है, हमारी तमाम माएँ जो हैं बाहर लॉन में आके बैठी हुई हैं। तो साथ साथ हमने कहा कि पानी के जानवर भी देखें और थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी हो जाए। मैंने यहाँ इनके लिए मिल्कशेक बनाया है और इस वक्त जो है वो सबको मिल्कशेक हम देंगे। लहसुन डाल के चले खतीजा, आप देना शुरू करें सबको। शुरू कर, बिस्मिल्लाह करो। गर्मी होती है और शाम में हम जो है तमाम मदर बाहर ला के बिठाते हैं लॉन में, क्योंकि एक तो ज़रा ग्रीनरी भी होती है और ज़रा फ्रेश हवा भी मिलती है जो कि इनके लिए बहुत अच्छी है। तो साथ साथ हमने कहा चले कि आज मिल्कशेक भी हम बनाए। सब हो गए, आपको पैसा डाल दिया। तमाम बहन भाई इन माओ को खुशियाँ देने के लिए जो कुर्बानी में हिस्सा डाल रहे हैं, हमारी उनके लिए ढेर सारी दुआएं हैं हमारी इन तमाम माओ की तरफ से कि अल्लाह ताला उनकी इस नेकी को कबूल करें। और जिस भी नीयत या मकसद से वो इस कुर्बानी में हिस्सा डाल रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी कबूल मंजूर फरमाए। और इसी तरह आप इन माओ को खुशियाँ दे रहे हैं जो उसमें हम बहुत ज़्यादा, हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम उन तमाम बहन भाइयों का किस तरह से शुक्रिया अदा करें। पहले एक दो और करते करते तीन चार जानवर हमारे पास यहाँ आ चुके हैं इस वक्त कुर्बानी के लिए। तो ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला उनकी तमाम मुश्किलात को आसान करें और उनकी औलादों को भी इसी तरह नेक काम करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। अंदर ना,